हेलो फ्रेंड्स, बैक टू यू। फिर से दोबारा ये हरी भरी वादियों के बीच में देखिए कितनी खूबसूरत जगह है। अच्छा, एक ट्रैवलर के लिए नए नए जगहों को एक्सप्लोर करने से बेहतर दूसरी और खुशी कहीं से नहीं मिल सकती, चाहे जितना रिस्क उठाना पड़े। अभी इधर देखिए कितने बीहड़ रास्ते से मैं अभी होकर के आया हूँ और फिर भी हिम्मत नहीं हारी। मुझे ऐसे जगहों पर जाना अच्छा लगता है जहाँ पर मुझे कुछ नई चीज़ें देखने को मिले। हालांकि वैन एवर यू विल बी इन द नेचर यू विल हैव टू फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, लेकिन जब तक लाइफ में चैलेंजेस ना हो तब तक ज़िंदगी जीने का मज़ा कहाँ आता है। और आज के दिन भी मैंने ट्रैवलिंग ही पसंद किया। सी ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज, वो एक पोयम है, याद होगा आपको, बटरफ्लाई बटरफ्लाई फ्रॉम व्हेयर डू यू कम, फ्रॉम व्हेयर डू यू कम, कहाँ से, जंगल से ही तो आए हैं और कहाँ से आए हैं। तो आज है मेरा बर्थडे एंड ऑन दिस डे अगेन आई हैव चूजन दिस पाथ टू स्टे इन द ग्रीन एंड एक्सप्लोर दिस ब्यूटिफुल प्लेस। एंड इफ पॉसिबल आई विल ऑल्सो एक्सप्लोर द इंडिजिनस पीपुल लिविंग इन दिस प्लेस। लेकिन ये है, मज़ा तो आता है साथ में रिस्क भी खूब होता है। अभी जहाँ पर मैं हूँ और वो भी ऐसा रेनी सीज़न, यहाँ सांप नहीं होंगे ये कैसे कहा जा सकता है। जब मैंने आज का दिन भी नहीं छोड़ा और अभी देखिए मैं कहाँ पर बढ़ रहा हूँ पैर रखते हुए और आपको एक हाइट पर पहुँच करके मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं आज के दिन कहाँ पर आया। Why nature always attracts me? See, everywhere you will find nothing else but greenery and see the height from where I am making this video. ये हाइट देखिए, हालांकि इस कैमरे में हो सकता है आपको हाइट का अंदाजा ना लगता हो सकता है ये जो स्लोप है स्लोप का अंदाजा ना लगता हो, लेकिन अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि मैं कहाँ पर आया। क्या इसमें कांटे हैं? हाँ कांटे हैं, कोई बात नहीं, वेयर देयर इज विल देयर इज वे, सो कम विथ मी। फ्रॉम द वेरी अर्ली डेज ऑफ माई लाइफ आई वॉज ऑलवेज फैसिनेटेड बाई द ब्यूटी ऑफ नेचर, बाई द प्रेजेंस इन द ब्यूटी ऑफ नेचर। सी आहा, दिख रहा है क्या? जंगल के अलावा कुछ दिख रहा है? जंगल और पहाड़ के अलावा कुछ दिख रहा है आपको? एक बार मेरी एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा, सर डू यू क्राई? मैंने कहा यस आई क्राई, आई ऑफन क्राई, आई क्राई व्हेन आई सी द बर्ड्स फ्लाइंग, आई क्राई व्हेन आई सी द ब्यूटी ऑफ नेचर, आई क्राई व्हेन आई सी द क्लाउड्स
द सन, विंड ब्लोइंग, माउंटेन, रिवर, आई क्राई व्हेन आई सी द प्रेजेंस इन द ब्यूटी ऑफ नेचर. इससे मेरे आँखें भर जाती हैं एंड दैट इज़ वाई आई हैव ऑलवेज चूजन टू बी इन दिस प्लेस. और वो जगह जो है तो सामान्य जगह लेकिन इतना डीप तक कोई व्यक्ति गया नहीं होगा, मैं वहाँ तक आ करके आपको ये दिखाता हूँ कि ये हरी भरी वादियाँ, ये नेचर, इनके साथ खिलवाड़ डेवलपमेंट के नाम पर नहीं किया जाना चाहिए. डेवलपमेंट शुड सस्टेन, विकास सतत होना चाहिए, बट डेवलपमेंट इन दिस वे जिस तरीके से हो रहा है, पहाड़ों को काट दो, रास्ते बना दो, पेड़ों को काट दो, सड़कें बढ़ा दो, तो क्या होगा? लैंडस्लाइड होगा, फ्लड आएगा. इसलिए डेवलपमेंट को सस्टेन करने के लिए आपको नेचर के साथ मिल करके चलना पड़ेगा. मैं अब तक, मुझे अंदाज़ा है 2014 से मैंने ट्रैवलिंग स्टार्ट किया और मैं सेवन सिस्टर्स फॉल, सबसे पहले मैं सेवन सिस्टर्स फॉल देखने के लिए गया मेघालय में, वो बॉर्डर पर था बांग्लादेश के. और उसके बाद से लेकर अब तक मैंने बहुत सारी जगहें विज़िट की, लाइफ को डेंजर में डाला, लेकिन अगर आप नेचर के साथ बैलेंस रख करके चलेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. तो ऐसे जगहों पर आकर नेचर के करीब खुद को करके आपको ये पता चलेगा कि जब भी आप खुद को नेचर से दूर करेंगे तो क्या समस्याएं फेस करेंगे. देखिए, ये जितने भी पौधे हैं ये सब हर्ब हैं, कुछ भी बेकार की चीज़ नहीं है. आई कैन नॉट रिकॉग्नाइज द नेम ऑफ दिस स्पेसिफिक फ्रूट सीरीज. इस पौधे पर देखिए जितने लगे, ये जोड़ के दर्द के काम आता है, मुझे याद नहीं है कि इसका नाम क्या है. इसको जब जड़ से निकाला जाएगा तो लाल लाल रंग की इसकी जड़ होती है. देखिए हर तरफ ये मिलता है, आयुर्वेद वाले आते हैं और इसको उखाड़ करके लेकर के जाते हैं पूरा जड़ सहित. सी ये दिख रहा है, दिस वन. और ये बहुत गहरा है, बड़ी मेहनत करके इसको निकालना पड़ेगा. मैं एक बार आया था तो इसको लेकर के गया था, लेकिन आज मेरे पास ऐसा कुछ इक्विपमेंट नहीं है जिसकी मदद से मैं ये काम कर सकूं. देखिए हर तरफ, एंड साइंस ऑफ ह्यूमन वेजिटेशन, सी दिस हाई डेंसिटी केबल वायर्स, सी देख रहे हैं. इसके बीच में आकर मैं खुद को एनर्जाइज्ड महसूस करता हूँ, इसलिए मैंने ये चुना आज का दिन भी. इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ मेंटली सिक पर्सन लिविंग इनसाइड द बाउंड्रीज ऑफ कॉन्क्रीट वॉल, आई हैव डिसाइडेड टू कम हियर. अब आया तो अब इधर से मुझे नीचे भी उतरना है, लेकिन हर तरफ कांटे हैं, हर तरफ कांटे हैं, कांटों के बीच से गिर गया. स्लिप करता है क्योंकि घास है, पौधे हैं. देखते हैं आसान काम है क्या. और हमसे लोग कहते हैं जंगल ही तो जाते हैं. मैंने कहा चलो ऐसे जगहों पर तो छोड़ दो कि आप इंटीरियर में नॉर्थ ईस्ट में चले गए या फिर हिमाचल अरुणाचल चले गए,
आप यहीं पर इंडिया नेपाल बॉर्डर पर जो बनकटवा, सिरसिया, कुआना, सोहेलवा और दुधवा से जुड़े हुए जितने भी जंगल हैं वहीं पर आप ट्रैवलिंग कर कर के दिखा दीजिए अंदर तक, तो आपको मान जाएं। क्योंकि जब भी कभी आएंगे इनके बीच में, एक तो चीज़ तय मानिए, जब भी कभी आप जंगल में आएंगे तो दिशा भ्रम होगा ही होगा। दूसरा, सांप जरूर मिलेगा। इट डिपेंड्स, देखते हैं। एक तरफ कैमरे को हाथ में लेके चलो, दूसरे तरफ इतना मल्टीटास्किंग करना पड़ता है। और मुझसे लोग बोलते हैं आपके साथ ट्रैवलिंग में कौन निकलते हैं, हु इज़ मेकिंग योर वीडियो। मैंने कहा वह मेरा भूत निकलता है, मेरे साथ चलने के लिए इतना करेज होना चाहिए तभी। अभी मेरी हालत ढीली हो गई है क्योंकि मैं पिछले 5 घंटे से ट्रैवल कर रहा हूँ। अभी मन करता है उतारो बैग और खाने पीने की लगाओ वाट और थोड़ी देर कर लो आराम मेरे भाई, वरना वरना क्या होगा, वरना अभी गाड़ी चलाना है और फिर जाना है। तो मेरा आपसे कहने का क्या मतलब था कि डेवलपमेंट हमेशा सस्टेन करना चाहिए, सस्टेन्ड डेवलपमेंट होना चाहिए। ये जो हो रहा है उसके कारण ही ये सारी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। तो क्या करें, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर। ऑल द डेवलपमेंट पॉलिसीज विच द गवर्नमेंट, वेरियस गवर्नमेंट्स फ्रॉम द वेरी बिगनिंग they have introduced, it is for the welfare of humanity. So it is up to you. You should be aware and then only you can save this beauty of nature. See everywhere. देखिए हर तरफ तितलियां दिख रही हैं, ये खुला आसमान। मेरा बस चले तो मैं यहीं पर आकर के रहूं, इन्हीं वादियों के बीच में जहां मैं खुद को अपने और करीब पाता हूं। और उस कंक्रीट जंगल में जाकर जहां पर मैकेनिकल लोग रहते हैं और केवल डिस्ट्रक्टिव एम्बिशन पाल रखा है, ऐसे लोगों के बीच में रहने से तो अच्छा है इन जगहों पर आइए और शान से रहिए मौत से। ओके, कैसा लगा? चलिए अब मुझे वापस निकलना है अगले वीडियो तक।